मॉर्निंग प्रिस्कार क्लासेस सरदार सर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज है 14 नवंबर, तो हम इस वीडियो में 14 नवंबर से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। आप अपनी प्रिस्कार को इंस्टाग्राम फेसबुक पेज पे फॉलो कर लेना। इंस्टाग्राम का नाम मैंने मेंशन कर दिया है। और आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लेना और आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन आपको बता दूं, शाम को 7 बजे हिंदी की क्लास भी होती है, तो जो स्टूडेंट वीडियो की तैयारी कर रहे हैं तो वो उस क्लास को लेना ना भूलें और उसके बारे में अपना रिस्पॉन्स भी बताएँ। तो चलिए अपन क्विक रिविजन देख लेते हैं। हिंदी संस्थान नए भवन का उद्घाटन किस राज्य ने किया है? तो मेघालय ने किया है। ATP फाइनल का खिताब किसने जीता है? तो अलेक्जेंडर जेवेरेव ने जीता है। युगांडा पैरा बैडमिंटन में भारतीय दल के कितने पदक जीते हैं? तो 47। बाल अधिकारी पर राष्ट्रीय कार्यकाला का उद्घाटन किसने किया है? तो स्मृति ईरानी ने। ICC के अंतरिम मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO कौन बने हैं? तो जोफ एलार्डिस बने हैं। IPL 2022 कहाँ होगा? भारत में होगा। इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट किसने जीता है? तो केंटो मोमोटा ने जीता है। धर्मेंद्र प्रधान द्वारा कहाँ पर CNT और CIKS का उद्घाटन किया गया? तो IIT गुवाहाटी में। और गेदिन ल्यू आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय की नींव किसने रखी है? तो अमित शाह जी ने रखी है, जो हमारे गृह मंत्री है। 12वां मणिपुर राज्य का पुरस्कार किसको मिला है? तो बेरिल थंगा को मिला है। और किस राज्य में इंडियन नेशनल बास्केटबॉल लीग का उद्घाटन किया है? तो कर्नाटक में किया है। और कहाँ पर वर्ल्ड एक्सपो आयोजन किया जाएगा? तो दुबई में। FCI की पहली अत्याधुनिक प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया है? तो गुरुग्राम में। सड़क यातायात पीड़ितों के लिए विश्व स्मरण दिवस कब मनाया गया? 21 नवंबर को। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे मिला है? तो इस्तवान झाबो को मिला है। अब अपन आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। यह रहा आपकी स्क्रीन पर। किस राज्य की टीम ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021 जीती है? तो ये किस राज्य की टीम ने जीती है? तो ये तमिलनाडु की राज्य की टीम ने जीती है। किस राज्य की टीम ने जीती है? तमिलनाडु की जो टीम है वो सैयद मुश्ताक अली जो ट्रॉफी 2021 में हुई है वो अपने नाम में किया है। ये रणजी ट्रॉफी कह सकते हैं अपन इसको। तो तमिलनाडु के बारे में जानते हैं। तमिलनाडु के CM कौन है? तो तमिलनाडु के CM है वो है MK स्टालिन। और यहाँ के गवर्नर कौन है? तो गवर्नर है वो है RN रवि। और कैपिटल है चेन्नई। अंगदान में ये पहले स्थान पर है और मछली उत्पादन में भी ये पहले स्थान पर है। कौन सा राज्य? तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 34वीं अखिल भारतीय डाक कुश्ती चैंपियनशिप कब आयोजित की गई है या कब स्टार्ट हुई है? तो ये हुई है वो 22 नवंबर को हुई है। कब हुई है? 22 नवंबर को हुई है 34वीं, जो नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। और इसके मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो कांस्य पदक जीता था बजरंग पूनिया ने, तो वो बजरंग पूनिया। और ओलंपिक के जो कोच है अनिल मान, बजरंग पूनिया अनिल मान है ये मुख्य अतिथि होंगे, ये याद रखना। अच्छा क्वेश्चन है। अनिल मान बजरंग पूनिया मुख्य अतिथि है और इसमें टोटल 11 डाक हैं मंडल वो भाग लेंगे। और इतिहास में पहली बार है जब इसमें भारतीय डाक कुश्ती चैंपियनशिप में वो पहली बार फुटबॉल टीम है वो शामिल होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में कितने मंत्रियों को शामिल किया है? तो कितने नए मंत्रियों को शामिल किया है? तो अभी हाल ही में मंत्रिमंडल का गठन हुआ है, तो टोटल 12 मंत्रियों को है वो शामिल किया है। कितने मंत्रियों को किया है? 12 मंत्रियों को, जो नए मंत्री हैं उन्हें शामिल किया है। और टोटल 15 मंत्रियों ने शपथ ग्रहण की है राज्यपाल जी के सामने, जो कौन है? कलराज मिश्र है अपने। और जो रघु शर्मा थे चिकित्सा मंत्री, वहाँ पर कौन बने हैं तब? तो प्रसादी लाल मीणा है वो चिकित्सा मंत्री बने हैं। कौन बने हैं? प्रसादी लाल मीणा है वो चिकित्सा मंत्री बने हैं, तो अपने राजस्थान के बने हैं। तो बैक टू बैक राजस्थान का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 वर्षों के बाद राजस्थान में बूंदी उत्सव का आगाज कब हुआ है? तो बूंदी उत्सव का आगाज कब हुआ है? तो बूंदी उत्सव का आगाज है वो 22 नवंबर को हुआ है। कब हुआ है बूंदी उत्सव का आगाज? 22 नवंबर को वह बूंदी उत्सव का, जो 2 साल से कोरोना की वजह से ठप पड़ा था वो आयोजन हुआ है। आप सबने नाम सुना ही होगा कल्चर में बूंदी उत्सव के बारे में। और राजस्थान, तो राजस्थान की कैपिटल गुलाबी नगरी जयपुर है।
और वहीं पर अंगदान स्मारक है, वो सबसे बड़ा अंगदान स्मारक भी बन रहा है अपने राजस्थान का। और जयपुर को 2019 में वर्ल्ड हेरिटेज सिटी घोषित किया गया, और 2023 के बाद में 8 साल के बाद में अंतर्राष्ट्रीय मैच भी खेला गया SMS स्टेडियम में। और राजस्थान में BSF के द्वारा सरहद हवा ऑपरेशन चलाया गया है। और राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से आप सबको पता है सबसे बड़ा राज्य है, और इसकी टोटल सीमा कितनी है तो 5920 है। कितनी है? 5920 है वो टोटल सीमा है, जिसमें 1017 है वो पाकिस्तान के साथ लगती है। सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश के साथ 1689 किलोमीटर है वो पंजाब के साथ लगती है। और नेशनल पार्क पूछ ले तो केवला देव, रणथंबोर, सरिस्का, ये नेशनल पार्क है। और बायोफ्यूल लागू करने वाला ये सबसे पहला राज्य है भारत का, तो ये आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य के द्वारा 3 राजधानियों को स्थापना के लिए कानून रद्द किया गया? तो 2020 में ये कानून है वो लाया गया था कि इस राज्य की 3 राजधानी होनी चाहिए। तो हमेशा मैं आपको बताता ही हूँ, आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियों के बीच में है लाने का ये प्रस्ताव था, तो 2020 में लाया गया था, जिसे अब रद्द कर दिया गया है कि इसकी 3 राजधानी नहीं होगी। अब देखते हैं उसकी एक पर्सनल राजधानी किसको बनाते हैं। CM कौन है इनके? जगत मोहन रेड्डी है। गवर्नर विश्वभूषण हरिचंद्रन है। भाषा के आधार पर 1953 में ये पहला राज्य था जो गठित हुआ था। जगन्ना विद्या दिवेना योजना और निगाह ऐप, कोविड फार्मा, ये यहाँ पर चलाया गया है। और नेशनल पार्क श्री वेंकटेश्वर और पापीकोंडा है, याद रखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की पहली प्रोटोटाइप फिक्स्ड ड्राइवर परीक्षण प्रणाली किसने तैयार की है? तो ये किसने की है? तो DMRC मतलब दिल्ली मेट्रो में की गई है। कहाँ पर? DMRC दिल्ली मेट्रो के द्वारा की गई है। और कब की गई है? तो ये भी 22 नवंबर को की गई है। अब दिल्ली, तो दिल्ली में रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ अभियान का दूसरा चरण स्टार्ट हुआ है। लगभग 100 स्टेट रेड बत्तियों पे ये रूल लागू किया जाएगा, जिससे 30% तक प्रदूषण है वो कम होगा। और अरविंद केजरीवाल है, घर घर राशन योजना स्टार्ट की गई है। लेकिन अब दिल्ली के बाद में पश्चिम बंगाल में जो ममता बनर्जी है उनकी CM, उन्होंने भी घर घर राशन योजना स्टार्ट कर दी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आप इतने फैक्ट हैं याद रखना। हाल ही में शौर्य चक्र से किसे नवाजा गया है? तो शौर्य चक्र से किसे नवाजा गया है? तो शौर्य चक्र से है वो मेजर विभूति शंकर डोडियाल को नवाजा गया है। किसे? विभूति शंकर डोडियाल को है वो शौर्य चक्र से नवाजा गया है, तो आप ये याद रखना। और इसमें आपको मैं बता दूं, शौर्य चक्र इनके अलावा 2 जनों को और को भी मिला है। उनका क्या नाम है? तो नायाब सूबेदार सोमवीर, क्या नाम है? नायाब सूबेदार सोमवीर और मेजर महेश कुमार भूरे। मेजर महेश कुमार भूरे और नायाब सूबेदार सोमवीर और मेजर विभूति शंकर डोडियाल, इन टोटल 3 को है वो रामनाथ जी कोविंद जी के द्वारा, जो अपने राष्ट्रपति हैं उनके द्वारा शौर्य चक्र प्रदान किया गया है। ये कब दिया गया? तो ये 21 नवंबर को, सॉरी 22 नवंबर को दिया गया है। वीर चक्र से किसे सम्मानित किया है? तो वीर चक्र से किसे सम्मानित किया है? तो वो अभिनंदन को किया गया है। अभिनंदन को तो आप सबने देखा ही होगा, TV पे काफ़ी चर्चा हुआ था जब इन्होंने बालाकोट हमले में F-16 जो MiG-21 अपना हेलीकॉप्टर था, इससे F-16 अभी हेलीकॉप्टर को मार गिराया था जो पाकिस्तान का था। और अभिनंदन इनका वर्तमान है, वर्तमान नाम है इनका पूरा, अभिनंदन वर्तमान, वर्तमान कर लेना। तो इन्हें नवाजा गया है, कब? इन्हें भी 22 नवंबर को दिया गया वीर चक्र, तो ये आप याद रखना। इनके लुक के भी काफ़ी चर्चा में रहा, फेमस हुए थे ये। पातलपानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया है? जो पातलपानी रेलवे स्टेशन इंदौर मध्य प्रदेश में पड़ता है, तो इसके स्टेशन का नाम बदलकर है वो कर क्या कर दिया है? तो तात्या मामा है वो कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? तात्या मामा। यहाँ ये बस स्टैंड और ये रेलवे स्टेशन दोनों का नाम बदल कर है वो तात्या मामा कर दिया जाएगा, याद रखना। इंदौर मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश के CM कौन है? तो मध्य प्रदेश के CM शिवराज सिंह चौहान है। और मध्य प्रदेश नेशनल पार्क के मामले में पहले स्थान पर है, इसमें 10 नेशनल पार्क है। और अंडमान द्वीप समूह में 9 नेशनल पार्क है और असम में 7 नेशनल पार्क है, आप ये याद रखना। हाल ही में 5 दिवसीय प्रौद्योगिकी सम्मेलन 2021 का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका उद्घाटन है वो इसरो के द्वारा
किया गया है, किसके द्वारा? इसरो के द्वारा किया गया है। इसरो के द्वारा 5 दिवसीय प्रौद्योगिकी सम्मेलन 2021 का उद्घाटन किया गया है। तो इसरो, इसरो की फुल फॉर्म क्या है? तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना है वो 1969 को हुई थी। कब हुई थी? 1969 को हुई थी। हेडक्वार्टर है बेंगलुरु। एक DRDO नाम आया है, इसके बारे में भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो DRDO मतलब डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1958 में हुई थी, इसरो से पहले हुई थी, आप याद रखना। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली और इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु है, आप याद रखना। और नासा, नासा का पूछ ले तो नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसकी स्थापना 1958 को हुई थी, इसकी भी 1958 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC। कहाँ पर है? वाशिंगटन DC, याद रखना आप। बुल्गेरियाई ने पुनः राष्ट्रपति पद चुना है, मतलब इन्हें पुनः राष्ट्रपति बनाया गया है बुल्गेरियाई का। वो कौन है? तो वो रुमेन रादेव है, वो बुल्गेरियाई के पुनः राष्ट्रपति बने हैं। ये एक बार वापिस राष्ट्रपति बन गए हैं 5 साल के लिए, और ये पूर्व वायुसेना कमांडर रहे हुए हैं। 5वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया जाएगा? तो 5वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन है वो कब आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा वो 23 से 24 नवंबर तक आयोजित किया जाएगा। कब किया जाएगा? 23 से 24 नवंबर तक आयोजित किया जाएगा। और कहाँ पर किया जाएगा? तो कोलकाता में आयोजित किया जाएगा। कहाँ पर? कोलकाता में आयोजित किया जाएगा। और इसमें भारत और ऑस्ट्रेलिया है वो साझेदारी करेगी, भारत और ऑस्ट्रेलिया, 23 से 24 नवंबर, याद रखना, 5वां पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिले से सम्मानित किस जिले को किया गया? तो मतलब जो समुद्र के पास में जो जिला है वो पुरस्कार है वो किसे दिया गया है, सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिले का, तो वो किसे दिया गया है? तो इसका सही आंसर है वो है बालासोर। किसे दिया गया? बालासोर के द्वे दिया गया है सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिले का पुरस्कार, याद रखना आप। और मानसेर के बारे में भी अपन ने चर्चा की थी, गुरुग्राम के बारे में भी चर्चा की थी, तो उसके बारे में आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओगे। मानसेर तो हरियाणा में है और गुरुग्राम भी हरियाणा में है। गुरमीत बाबा का निधन हुआ है तो वे कौन थी? तो गुरमीत बाबा कौन थी? तो गुरमीत बाबा है वो पंजाबी गायिका थी। इन्हें पंजाबी के जो फ्रिस्ट पुरस्कार होते हैं उनसे भी नवाजा गया है, और ये 45 सेकंड तक है, एक टाइम लंबी राग है वो ले सकते हैं, तो ये गायक थी, आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अमेरिका ऑस्ट्रेलिया के साथ अन्य किस देश ने परमाणु उपगठबंधन में महत्वपूर्ण समझौता किया है? तो ये किसने किया है? तो ब्रिटेन ने किया है। किसने किया है? ब्रिटेन ने किया है। टोटल 3 देश हैं, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इन्होंने तीनों ने मिलकर किया है ब्रिटेन के साथ, मतलब दोनों ने मिलकर ब्रिटेन के साथ किया है, टोटल 3 हो गए हैं। ये लास्ट डोज का क्वेश्चन है, 3 मंत्रियों ने इस्तीफा दिया, वो राजस्थान है तो रघु शर्मा, डोटासरा जी और हरीश चौधरी, और ये आपके लिए छोड़ा गया क्वेश्चन है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। PDF के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। अब मैं आपसे आगे लेता हूँ, लेकिन उससे पहले आप मुझे अपनी राय है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करना। तो अब मैं आपसे आगे लेता हूँ, जय हिंद, जय भारत, कल मिलते हैं।